अमेरिका सेना की अफगानिस्तान से वापसी के समय काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले का बदला अमेरिका ने ड्रोन हमले करके ले लिया। अमेरिका ने आतंकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था, लेकिन अमेरिका के ड्रोन हमले में आतंकी बच गए और 10 अफगान नागरिक और 7 बच्चों की मौत हो गई। इस ड्रोन हमले को अमेरिका ने पहले सही ठहराया और आतंकी मारे जाने की घोषणा कर दी, लेकिन अमेरिका की जांच रिपोर्ट के बाद ये ड्रोन हमला गलत होने की बात अमेरिका के अधिकारियों ने मानी है। इस हमले में बचे अफगानिस्तान के लोगों ने कहा है कि इस मामले में माफी मांगना सिर्फ काफी नहीं है, जांच कर दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए। एमएएल अहमदी की 3 साल की बेटी मलिका की 29 अगस्त को मौत हो गई थी। अहमदी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि परिवार इस मामले में अमेरिका से इस बारे में जांच की मांग करता है। ड्रोन किसने दागा और उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार सैन्य कर्मियों को दंडित करने की मांग की है। उन्होंने कहा, हमारे लिए केवल खेद जताना काफी नहीं है, अमेरिका को उन लोगों का पता लगाना होगा जिन्होंने ये हमला किया। अहमदी ने कहा कि परिवार अपने नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजे की भी मांग कर रहा है। अहमदी की मांग है कि परिवार के कई सदस्य को किसी तीसरे देश में भेजा जाए और इस देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए। अमेरिका की सेना ने माना है कि अफगानिस्तान से उसके सैनिकों की वापसी से कुछ दिन पहले एक जानलेवा ड्रोन हमला उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसमें ISIS के आतंकवादियों के बजाय 7 बच्चों समेत 10 बेगुनाह अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान नागरिक के मांग के बाद अमेरिका ड्रोन हमले के दोषियों पर कार्रवाई करता है या नहीं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।